गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। सो यहाँ पे बन रही है चाय चाय चाय, और आज है एकादशी, निर्जला एकादशी। सो मम्मी और नानी फास्ट है, बट नानी निर्जला नहीं रहेंगी, इसलिए चाय बना रहा है मी, यानी कि मई। तो चाय मैंने दूर कर दूर बना रही, मैंने दूर खाना डाल दिया, मुझे ज़्यादा कोई चाय अच्छी नहीं लगती, बट ठीक है, चलो नानी और के लिए अच्छा है, वो फास्ट है तो उनके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए फीस बनाते हैं। और चाय पत्ती हर चीज़ का अलग अलग होता है यहाँ की चाय पत्ती का, मुझे आइडिया नहीं है, और ये अभी कुछ पैसे वाली है, अच्छी वाली नहीं है ज़्यादा, इसलिए थोड़ी सी और चाय पत्ती डालते हैं, क्योंकि चाय का अगर तो डार्क ना हो तो अच्छा नहीं लगता इसे। चलो सबसे पूछ लेते हैं, चाय पिएगा नहीं पिएगा। सेंटा, ओए सेंटा, चाय ले आओ। सेंटा, ओए शरद, चाय ले आओ। हैं शरद, टुडे वी मैचिंग मैचिंग। कहाँ हूँ तुम्हारे साथ? कहाँ हूँ? कितना जूम कर दिया मेरा। अब बना ब्रेक नहीं आएगा, इस पे ब्रेक आता है, इधर से उधर करवा रहा है, उधर से इधर करवा रहा है, ब्रेक तो आएगा ना। इवनिंग एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 7:30, और पापा वाशु को लेके गए हैं छत पे। बनू यहाँ पे खा रहा है मैंगो, और शरद देव क्या कर रहे हैं? शरद देव आज भी मैचिंग है, देखा नहीं है? मैचिंग येलो, अरे आप कलर रखे हमारे। ये मैंने रिकॉर्ड किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये जो तूने हरकत किया है। अभी हम पहनेगा, तो आज मैं आप लोगों को वाली ड्रेस ड्रैग करके दिखाऊंगी, पेयर करके दिखाऊंगी, जो मैंने आप लोगों को ब्लू एंड ऑरेंज कलर की दिखाई थी। ये क्या कर रहे हो बच्चा, ऐसे नहीं डालो, गंदा हो जाएगा पूरा, तो कॉपीराइट दिलवाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे ये वाला चैनल भी डिलीट करवाना है मेरा, म्यूजिक बजा दिया। ये कपड़ों से क्यों पूछ रहे हो आप? हैंड वॉश करनी है ना, कपड़ों से पूछ रहे हो, पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, चीटियाँ घूमेंगे तेरे ऊपर और खा जाएंगे तेरे को। सो गाइस गुड इवनिंग, और मैंने वो गाउन ट्राई किया बट वो मेरे नहीं बना, इसलिए तो फिर मैंने उसमें वीडियो शूट नहीं की, सो सॉरी, वो मेरे बन नहीं रहा, इसलिए मैंने ट्राई किया और फंस गया पूरी तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत पुराना है, और अब तब में तो बहुत फ़र्क है हम लोगों में, हम पहले बहुत कमज़ोर हुआ करते थे, इसलिए तो अब तो मैं बहुत ही अच्छी हंसी हंसी हूँ, सो इसलिए सो वो मेरे नहीं बना, तो सो सॉरी। तो कल मैं उसका लहंगे का वीडियो शूट करूँगी, और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो इसलिए मन नहीं करता ऐसा कुछ भी करने का। बैठा है इसलिए, तो आज मैं एक्चुअली एक कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो अपनी टिप्पणी ज़रूर देना पसंद करते हैं, तो उनकी टिप्पणी के लिए मैं ये कुछ लफ्ज़ मैं बोलना चाहूँगी, कि कुछ लोगों के लफ्ज़ होते हैं कि ये क्या वीडियो बनाती है, क्या डालती है, कुछ भी डालती है, कैसे भी पहनती है, कुछ भी रहती है। तो पहली बात तो ये कि मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादा नेगेटिविटी पसंद नहीं करती। मेरा लास्ट टाइम भी चैनल था, मैंने उसमें भी कभी किसी के कमेंट्स या किसी के पर्सनल कमेंट्स के लेकर कोई विशिष्ट टिप्पणी ज़्यादा वो की नहीं, लेकिन दिस टाइम मैं ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगी लोगों को,
कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड, अपने मम्मी पापा, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सास ससुर, इनकी परमिशन से बनाती हूँ। ये पांच लोग मेरी लाइफ में मैटर करते हैं। आगे छठवा पर्सन मैं एडवाइस लेना पसंद भी नहीं। तो अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ तो ये छह लोगों की नज़र में है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो किसी थर्ड पर्सन को मैं ये हक भी नहीं देती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में बोलो। एंड स्पेशली वो कुछ अपने ही उससे होते हैं, ये मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आया, मेरे पास कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। सो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में कभी नेगेटिविटी नहीं लाती, मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से वीडियोज़ बनाती हूँ। एंड लोग जब मुझे बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं अपने लिए करती हूँ, मैं लोगों को प्रूव करने के लिए या लोगों को वो करने के लिए नहीं करती हूँ। सो वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है मैं अपनी खुशी के लिए वीडियोस बनाती हूँ। कल जाके शायद मैं इतना ना बना पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं वीडियोस हमेशा अपलोड करूँ, मैं हमेशा यूट्यूब पे रहूँ और मेरा एक फेस रहे यूट्यूब पे, मैं हमेशा लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ और अपलोड करती रहूँ। एंड लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, तो जितने लोग पसंद करते हैं उतने लोग देखें, जिनको लगता है ये क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है तो वो लोग देखना बंद करते हैं। क्योंकि किसी को आप फ़ोन करके बोलोगे कि ये क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है तो उससे कुछ नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मैं तो वीडियोस बनाना बंद नहीं करूँगी। तो अच्छा होगा कि आप लोग देखना बंद कर दें इसलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के कॉमेंट से, समझे। मैं क्या पहनती हूँ ये मेरा चॉइस है, मैंने आज भी गाउन पहना है, मैं गाउन पहन के वीडियोस बनाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसलिए। और मेरे हिसाब से मैं वो पहनती हूँ जो मेरे घर वाले मुझे अलाउ करते हैं, मेरे यहाँ पे मम्मी पापा करते हैं, वहाँ पे मम्मी पापा जी करते हैं, मेरे हस्बैंड अलाउ करते हैं, मैं वो पहनती हूँ, वो बना के वीडियो बनाती हूँ। तुम लोग कोई नहीं होते मुझे बताने वाले। सो अपनी हद में रहो, अपने घर को संभालो, अपने घर के मैटर्स को संभालो, कौन कितना कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, कौन कहाँ पे कितने दिन पड़ा है या क्या नहीं है, वो तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम अपने घर को संभालो, तुम ये देखो कि तुम्हारे घर में लोग कहाँ पड़े हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, सो इतना देखो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले हज़ार बार सोच लेना फिर बोलना। मैं जितनी हंसमुख हूँ उतनी ही हूँ, मैं फटती बहुत बुरी हूँ इसलिए, सो लिमिट में रहना बस। सो गाइस, इस नेगेटिविटी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना मैं इस पे वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बोल देना चाहती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों के बोलने से या तुम लोगों की कमेंट से या थिंकिंग से या तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को प्रॉब्लम नहीं है, सो मुझे बस ये मैटर करता है, बाकी तुम लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते। और जो लोग मुझे देखते हैं वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए वो लोग मैटर करते हैं, ये मेरी फैमिली है ना, तुम लोग मैटर नहीं करते। तुम मुझे कभी मिले कभी नहीं मिले, कमेंट्स वीडियोस ना देखो नहीं अच्छी लग रही हैं तो और भी यूट्यूबर हैं और भी लोग हैं उनकी वीडियोस देखो, या मेरी वीडियोस देखनी ही क्यों है अगर तुम लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो। मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ, ये मेरा अपना कंटेंट है, मैंने सोच समझ के अपनी चीज़ों को सोच कर तब वीडियोस अपलोड की हैं इस पर, इस वजह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के बोलने से या किसी भी सिंगल चीज़ से। तो आप लोग अपनी थिंकिंग अपने तक रखिए। अगर मेरे व्यूअर्स को लगता है कि मैं कुछ गलत डालती हूँ या मैं कुछ गलत तरीके से डालती हूँ, सो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी कुछ गलत डाला है या कभी किसी के लिए कुछ गलत शब्द यूज़ किया है या कभी किसी के लिए कुछ गलत बोला है। मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलना पसंद करती हूँ क्योंकि वो मेरा नेचर है, मुझे लगता है सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और सबको अपनी पर्सनल लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। सो आप लोग भी जिए और मुझे भी जीने दीजिए, मुझे भी कुछ कुछ रहना है, हैप्पी रहना है, अपने बच्चों के लिए अच्छी सी एक फ्यूचर लेके जाना है, कि फालतू की नेगेटिविटी के साथ में मुझे आगे नहीं बढ़ना है। सो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी। आई होप आपको अच्छी लगी हो और जिनको समझ में आ गई हो वो समझ गए, बाकी नहीं अगर समझ में आया तो बाढ़ में जाओ ऐसे। सो फिर मिलते हैं आपसे विद अ न्यू डे न्यू रूटीन अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में। बाय, गुड नाइट।